17 जनवरी 2016 को 143 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करके तत्कालीन शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जिस महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना की धर्मशाला में नींव रखी थी, आज 19 जनवरी 2022 को मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 207 करोड़ रुपए से इस परियोजना को जनता के लिए समर्पित कर दिया। आज अपने शीतकालीन प्रवास के पहले ही दिन धर्मशाला पहुंचकर सबसे पहले इसी रोपवे का उद्घाटन किया गया और 8 लोगों की कैपेसिटी वाली इस ट्रॉली में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी, बिक्रम ठाकुर, राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी, विशाल नेहरिया समेत कुछ अन्य नेता ने यात्रा की। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम देखिए, जब मीडिया के लोगों तक को रोपवे की ट्रॉली तक पहुंचने में जद्दोजहद करनी पड़ी और जब उन्होंने भी ट्रॉली में सफ़र करते हुए मुख्यमंत्री की कवरेज करने का हवाला दिया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहते हुए उन्हें ट्रॉली से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि जहां से ट्रॉली चल रही थी, कि स्थानीय विधायक की ओर से जो भी उन्हें सूचना मिली है या सूची मिली है उसमें किसी भी मीडिया पर्सन का नाम शामिल नहीं है, ऐसे में आप लोग नहीं जा सकते। लेकिन जब मैक्लोडगंज पहुंच चुके सीएम की कवरेज के लिए मीडिया पर्सन नज़र नहीं आए तो व्यवस्था के संचालकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैक्लोडगंज से जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल खुद धर्मशाला पहुंचते हैं और मीडिया को मैक्लोडगंज जाने की अपील करते हैं, लेकिन किसी भी मीडियाकर्मी ने फिर हामी नहीं भरी। अंत में मुख्यमंत्री मैक्लोडगंज से वापस धर्मशाला पहुंचे, जहां मीडिया ने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया तो मुख्यमंत्री ने भी इस बाबत जानकारी मिलने और रिपोर्ट तलब करने का आश्वासन दिया। सर नहीं सर, यहां पे एसडीएम मैडम ये कह रहे हैं कि आप लोगों का नाम लिस्ट में है नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप बाहर जाइए सर। इस तरह से चीज को विल सी दैट कैसे करते हैं? नहीं सर, ये लाहौर नहीं सर, बाकी लोग सर आपकी कवरेज के लिए नहीं सर, बात करेंगे नहीं, बात करेंगे।